मधुबन बिहारी और गौ सेवा संस्थान श्री जगदीश गौ सेवा आश्रम ब्रजधाम मथुरा वृंदावन के द्वारा बहुत ही अच्छा ज्ञान कथा का आयोजन किया जा रहा है जमशेदपुर फुलमुरी। आइए इसी विषय में बात करते हैं यहाँ के आयोजक समिति से और जो श्री कुसुम मधुबनी बिहारी और गौ सेवा संस्थान के जो प्रतिनिधि आए हैं उनसे भी बात करते हैं। उसके पहले जो प्रवचन चल रहा है उसका कुछ अंश आपको दिखा रहे हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। अभी हमारी तृष्णा कभी भी खत्म नहीं होती है। मरण सैया पर जाने के बाद में भी तृष्णा खत्म नहीं होती। मरते मरते भी लोगों को संसार की चिंता सताती रहती है। मरते मरते भी संसार की चिंता करते करते, जैसे मैंने सुना एक बार के एक सेठ जी थे, बिस्तर में पड़ गए सेठ जी, अब बिल्कुल अंतिम समय था कि बस जाने ही वाले हैं। सेठ जी को मरते मरते क्या सूझा, उन्होंने अपना एक हाथ, अपनी एक उंगली हाथ की ऐसे सामने की ओर खड़ी कर दी, उठा दिया हाथ। अभी तीनों बेटे मन में आपस में बातें करते हैं, बोले भैया जरूर जी की बड़ी अच्छी दुकान थी, घर के सामने ही दुकान थी, बड़ी अच्छी दुकान चलती पर भगवान कथा का हो रहा आयोजन और कौन कथा करने वाले हैं, किस टीम की तरफ से हो रहे हैं? ये गोलमुरी के जोगर्स पार्क में भागवत कथा 10 तारीख से प्रारंभ हुई है और कथावाचक जो है मथुरा के वृंदावन से आए हुए हैं पंडित श्री पवन कृष्ण गौतम जी हैं और आज तीसरा दिन है। आज भगवान कृष्ण का अवतार होगा और बहुत ही कब से हुआ, आज कितना दिन है और कब समापन होगा? 10 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 17 तारीख को इसका समापन होगा और आज तीसरा दिन है। आज भगवान कृष्ण, कल बावन भगवान का अवतार हुआ था और भगवान आज कृष्ण का अवतार होगा, उसकी झांकी भी निकलेगी के बहुत ही मैंने मधुर आवाज में यहाँ के जितने भी माताएं बहने आती है बड़ी इनका तारीफ करती है और भगवान भागवत कथा करने वाले कथावाचक के आने से एक घंटा पूर्व ही मताएं आकर के कतारबद्ध तरीके से बैठ करके लाइन लगा करके बैठ। सभी से क्या अनुरोध करना चाहते जमशेदपुर वासियों, गुलमुरी वासियों को, अत्यधिक संख्या में आए और इस कथा का रसपान करें, क्योंकि भगवान का भक्ति करने में ही सबसे ज्यादा मजा है, सबसे ज्यादा सुकून है, सबसे ज्यादा सुख है, सबसे ज्यादा शांति। हम अपील करते हैं कि भागवत कथा का आनंद लें और इस सुख शांति का कामना करें। कहाँ पर हो रहा है ला कथा? गोलमुरी विजयनगर जोगस पार्क इसका आयोजन किया जा रहा है। कितना बजे तक शुरुआत होता है कथा का? आपका संध्या 4 बजे से लेके 7 बजे तक का आचार्य जी का ज्ञान कथा होता है। आपको परिचय बताएं। मैं एम शंकर, जैसे हम लोग इस बार इंतजार करते हैं भगवान का। क्या बोलना चाहेंगे भगवत कथा के बारे में? भगवत कथा और शांति का चीज है, भगवान का सम्मान होता है। इसमें क्या है कि महाराज जी जो बाहर से आए हुए हैं बहुत अच्छी विचार पूर्वक अपना कथावाचक कर रहे हैं और सभी से अनुरोध करेंगे कि लोग सभी लोग आए जोगर्स पार्क में, भगवान का स्मरण करें, दर्शन करें। आचार्य जी किस संस्था के तरफ से, कहां से आप लोग आए हैं और इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं? कुसुम मधुबन बिहारी गौ सेवा संस्थान की ओर से आए हुए हैं और वृंदावन से आए हुए हैं और हमारे संस्थान के माध्यम से ही है श्रीमद् भागवत कथा यहां हो रही है और आपके जमशेदपुर में एक महीने में चौथी कथा है लगातार। गौ का सेवा आप लोग बहुत अच्छा से करते हैं, क्या कैसे करके करते हैं, क्या अनुरोध करना चाहते हैं हमारे व्यूवर से? सबसे अनुरोध यही है कि जहाँ भी गौ माता असहाय स्थिति में देखे उनकी सेवा करें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि गौवंश बनाना बचाना हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत आवश्यक है। कोई सहयोग करना चाहेंगे तो कैसे करके संपर्क करेंगे, कहाँ पर जाएंगे थोड़ा बता दीजिए? हमारा नंबर है 9058582255, इस नंबर पर आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। भगवत कथा हो रहा था, आज उसका अंतिम अमृत पान हो रहा, क्या बोलना चाहेंगे पूरे हमारे व्यूवर को, पूरे जो जो जहां पर वीडियो जाएगा? मैं साकेत कुमार पांडे, मैं यहाँ का पुरोहित हूँ। मैं सभी भक्तों से ये कहना चाहूँगा कि जो हरिवंश महापुराण की कथा हुई है गीता भवन में, यह एक बड़ा ही पुण्यदायक कथा था और इस कथा के पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। जो भक्त यहाँ पे आए, जो कथा श्रवण किया, भगवान उनके सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी की इच्छा पूर्ण करे
और जो माता है, जो बहने, खास करके जो माता बहन यहाँ पे बिराजी है, जो आई है अपने पुत्र की इच्छा से, संतान की प्राप्ति की इच्छा से जो माता यहाँ पे आई है, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आज जग का अंतिम दिवस है, नवमा दिवस है, कुछ ही पल के बाद, कथा समाप्ति के बाद विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। मैं सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ, गीता भवन की तरफ से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग आए और इस भवन में आकर के यहाँ का महाप्रसाद ग्रहण करें, ताकि यह यहाँ का जो यज्ञ है, उस यज्ञ का पूर्ण रूप में फल आप सबों को मिले, हम सबों को मिले। मैं यही कामना करता हूँ, सभी भक्त आए और आकर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। इससे यह छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, लेकिन सबों का कृपा से, सबों का आशीर्वाद से यह यज्ञ पूर्णता की ओर है। और अंतिम क्षण, अंतिम पल है, भगवान की कृपा से सब अच्छे से निपट गया और निपट ही जाएगा। मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, जिस जगह है, जैसे भी है, सभी खुश रहे, प्रसन्न रहे। मैं यही कामना करता हूँ भगवान से। जो आपको सहयोग दी इतने बड़े महायज्ञ में, कोई अन्य से, धन से, उनको क्या बोलना चाहेंगे? जिन्होंने भी इस यज्ञ में दान दिया है, चाहे अन्न हो, चाहे फल हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे वस्त्र हो, सभी ने इस अंत में आकर के, इस यज्ञ में आकर के दान दिया। मैं उनसे, भगवान से यह कामना करता हूँ कि उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इसी तरह से वो बांटते रहे, दान देते रहे। मैं ही भगवान से कामना करता हूँ।